दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं कि आपको क्रिप्टो मार्केट में क्यों आना चाहिए। आप स्टॉक मार्केट में भी आ सकते हो, लेकिन आपको क्रिप्टो मार्केट में क्यों आना चाहिए, तो इसके पीछे बहुत सारे रीज़न है। जैसे कि आपको पता है कि अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रही है मेटावर्स वगैरह की, जो कि अभी अनवील हो चुकी है। जैसे कि अभी फेसबुक ने भी अपना नाम बदल के यहाँ पर मेटावर्स रख दिया है, मेटा रख दिया है। और आपको पता है ये नेक्स्ट लेवल की टेक्नोलॉजी होने वाली है। जैसे आपको पता है कि वेब 1.0 आया था, वेब 2.0 आया था, तो अब आने वाला है वेब 3.0, जिसमें कि मेटावर्स का बहुत ही ज़्यादा बड़ा रोल होने वाला है, जिसमें कि ऐसे टोकन ग्रो करेंगे जो कि अभी मेटावर्स में है या कोई अभी वेब 3.0 में है। जैसे मैं आपको एक टोकन का नाम बताता हूँ, जिसका नाम है अभी बिटटोरेंट। तो ये कम्युनिटी है ना, जो ये नई टेक्नोलॉजी है, जो इस फील्ड में अभी से बंदे आएंगे, वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं कुछ फ्यू ईयर के बाद। तो इसीलिए बहुत सारे बंदे इस टाइम पे यहाँ पे आ रहे हैं। और एक बहुत बड़ा रीज़न रहा है शिबा इनू कॉइन। अब आपको मैं इसका रिफ्लेक्शन बताता हूँ, इसने कितने बंदों को मिलीनियर बनाया है। तो जैसा आप यहाँ पर देख सकते हो कि बहुत सारे बंदे इस टाइम पर क्रिप्टो मार्केट में आ रहे हैं। शिबा इनू को मैं यहाँ पे करता हूँ, यहाँ नीचे चलते हैं, नीचे चल के देखते हैं कि इसका चार्ट क्या है। तो हम यहाँ पे नीचे चलते हैं और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ऑल टाइम हाई से एक ऑल टाइम लो से कितना ज़्यादा हाई है, किसने कितना ज़्यादा प्रॉफिट दिया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ऑल टाइम लो से कितना प्रॉफिट दे चुका है। यहाँ पे 4,41,53,669। तो ये आप यहाँ पे देख सकते, इतना परसेंट का रिटर्न कोई भी कॉइन एक साल में नहीं देता है, जो कि इसने यहाँ पे दिया है एक साल में। अगर आपके पास उस टाइम पे 1 रुपये होता तो उसकी वैल्यू आप यहाँ पे देख सकते हो कि 4,41,53,669 रुपये हो जाती, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारे लोग दबा के आ रहे हैं। एक शिबा इनू की वजह से भी यहाँ पर ग्रोथ इसको बहुत ज़्यादा मिली है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे कॉइन्स ऐसे हैं जो कि फ्यूचर में ग्रोथ कर सकते हैं। जैसे अभी एक टोकन आ रखा है बेबी डॉज कॉइन, जिसको कि आप सन क्रिप्टो से ख़रीद सकते हो। तो मैं यहाँ पे आपको सन क्रिप्टो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप बेबी डॉज कॉइन को भी सन क्रिप्टो से ख़रीद सकते हो। और यहाँ पर आपको बहुत सारे मेम कॉइन मिलेंगे। मेम कॉइन कौन से होते हैं? जैसे एक ब्लॉकचेन होती है ना, एक कोई टोकन होता है, जैसे इथेरियम, उसकी खुद की ब्लॉकचेन होती है। तो उस ब्लॉकचेन का यूज़ करके कोई जब दूसरा कॉइन डेवलप किया जाता है, उसे मेम कॉइन कहा जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, जैसे यहाँ पे एक मेम कॉइन है बेबी डॉज कॉइन, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ बेबी डॉज कॉइन, तो ये एक मेम कॉइन है। इसकी ग्रोथ भी हो सकती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये भी मेटावर्स में आने वाला है। और बताया जा रहा है कि इसमें ऑटो रिफ्लेक्शन वगैरह मिलता है, और ये इलॉन मस्क इसको प्रमोट करता रहता है। इलॉन मस्क ने एक ट्वीट किया था डू, जैसे ही उन्होंने इसको ट्वीट किया था, इसकी प्राइस 1000% बढ़ गई थी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि फ्यूचर क्या होने वाला है यहाँ पे इन कॉइन्स का। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी ये चीज़ें इनिशियल फेज़ में है। जब 2025 आएगा ना, उस टाइम पे लोगों को पता लगेगा कि हम क्यों नहीं उस टाइम पे यहाँ पे क्रिप्टो मार्केट में आए। क्रिप्टो मार्केट एक ऐसा मार्केट है जो लोगों को बिलियनेयर भी बना सकता है और बिलियनेयर को यहाँ पे करोड़पति भी बना सकता है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म की सोच के रखोगे, आप ट्रेडिंग कम से कम करने की कोशिश करोगे और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा होल्डिंग करने की कोशिश करोगे, तो आप आराम से यहाँ पे मिलियनेयर बन सकते हो। बस आपको होल्ड करना पड़ेगा और आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना रिसर्च के कहीं भी आप अपना लक नहीं आजमा सकते हो। क्योंकि अगर आप बिना रिसर्च के आओगे तो आप अपने पैसों को लूज ही करोगे। और जैसे स्टॉक मार्केट, तो स्टॉक मार्केट में भी आपको नॉलेज लेनी पड़ती है, लेकिन स्टॉक मार्केट में उतना रिटर्न नहीं मिलता जितना कि क्रिप्टो मार्केट में। क्रिप्टो मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहाँ पर एक साल में लोग मिलियनेयर भी बन जाते हैं, अगर उनकी सही इन्वेस्टमेंट होती है। तो अगर आप भी यहाँ पर पैसे वगैरह कमाना चाहते हैं, आप भी नई टेक्नोलॉजी के साथ चलना चाहते हैं, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी 10 साल बाद बहुत ही तगड़ी ग्रो होने वाली है। अभी ये कॉइन बहुत ही सस्ते में मिल रहे हैं, लेकिन जब 10 साल बाद आप इनको देखोगे ना, आप BTC का उदाहरण ले सकते हो यहाँ पर बिटकॉइन का। आपको बताओगे, जब बिटकॉइन की शुरुआत हुई थी ना, एक बंदे ने 10,000 BTC का एक पिज़्ज़ा ख़रीदा, तो आप यहाँ पर सोच सकते हो इस टाइम इसकी वैल्यू कितनी हो चुकी है। तो यही बात होती है कि जब तक किसी को पता नहीं होता ना इन चीज़ों के बारे में, तब तक
कोई नहीं आता, लेकिन जिस दिन लोगों को इन चीज़ों के बारे में पता हो, जब ग्रोथ हो जाती है, फिर सारी भीड़ चाल तरीके से यहाँ पे आ जाती है, तो उसके बाद बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो जाता है। लेकिन अभी कंपटीशन उतना ज़्यादा नहीं है, अभी बहुत सारे बंदे यहाँ पे मिलियनेयर बन सकते हैं अगर वो सही से रिसर्च वगैरह करेंगे। तो अगर आपको भी यहाँ पे मार्केट में आना है, आपको भी समझना है क्रिप्टो मार्केट क्या है, क्यों आना चाहिए, मैंने आपको बता ही दिया, तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा बिटमार्ट का भी, और यहाँ पे कॉइन डीसीएक्स का, सन क्रिप्टो का, और कॉइन स्विच कुबेर का भी। क्योंकि आप अगर बिगनर हो तो आप कॉइन डीसीएक्स और सन क्रिप्टो में आप अपना अकाउंट बना सकते हो, या कॉइन स्विच कुबेर में, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे मुझे इसे खरीदना है, मुझे बाय करना है, यहाँ पे अमाउंट लिखना है और यहाँ पे स्वाइप नेक्स्ट करके यहाँ पे स्वाइप कर देना है। जैसे आप स्वाइप करोगे आप इस कॉइन को खरीद सकते हो। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडर हो तो आप सन क्रिप्टो को छोड़कर बिटमार्ट में आ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे प्रोफेशनल ट्रेडिंग होती है। तो मैं ट्रेडिंग को बोलता हूँ, आप पहले रिसर्च करके ट्रेडिंग किया कीजिए, क्योंकि ट्रेडिंग में रिस्क होता है बहुत ही ज़्यादा। तो ऐसे वीडियो वगैरह के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जो पासिबल लेकर आती है ना उसे भी जोर से दबा सकते हो।